उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री आज बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर आगामी चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए अहम निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में योगी सरकार जनहित के लिए कड़े फैसले ले रही है और देश में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार देश और प्रदेश को आगे लेकर जा रही है। मंत्री, एक गैटिंग था पिछले कार्यक्रम में, खराब हुआ, 2 लाख का इनाम है, जेल में से वो फार्म भागा, फरार हुआ। इस तरह की घटनाओं में जो लापरवाही कार्रवाई हुई, आगे ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? बहुत कुछ व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं और निरंतर हमारी सक्रियता से जेल प्रशासन भी सक्रिय रहता है। दूसरा, हम अभी कैदियों की वीसी के माध्यम से योजना बना रहे हैं, बड़े अपराधियों की वीसी के माध्यम से पेश आऊँ कि हम योजना बना रहे हैं और इस पर अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद जैसे ही हम इसको प्रभावशाली अपने मन मस्तिष्क में बना लेंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे। कोई फोन कॉल की सुविधा मैं इसकी देखता, फोन कॉल की व्यवस्था तो रही, लेकिन और उसमें बेहतर क्या हो सकता है वो हम सब सोच रहे हैं, क्या हो सकता है। वो घर वाले तो साथ करना चाहें, जैसे हमने तो पहले कोरोना में जो मिलाई बच हो गई थी वो हमने पूरी छूट कर दी, 3 बार की मिलाई हमने छूट दे दी। हमने अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनवाया, हमने अच्छे से भैया दूज का त्यौहार मनवाया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 70,748 बहनों ने रक्षाबंधन में राखी बांधी, 60,000 बहनों ने भैया दूज के तिलक किए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कई बार के ग्रत पे एक ही जेल में पति है, एक ही जेल में पत्नी है, तो कोई नियम नहीं है, तो वो आपस में एक दूसरे से मिल रहा। लेकिन दो बहने करवा चौथ का व्रत रही, हमने व्रत के समय पूजन के समय उनकी पत्नियों को जाकर सामने प्रकट किया, एक मानवीय दृष्टि से हमने एक कदम उठाया और पूरे प्रदेश में उसकी सराहना रही, चर्चा रही और मानवीय दृष्टि से होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।